सो हाय ऑल, सो आज हम सेवन्थ स्टैंडर्ड का फोर्थ चैप्टर एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल्स का प्रैक्टिस सेट 20 देखेंगे। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो देख लेंगे हम ज़रा। सो यहाँ पे हमें अपोजिट एंगल्स देखने हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बेसिकली। सो ये होते क्या है अपोजिट एंगल्स? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अपोजिट रेज होते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, एक जस्ट ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है दैट इज ओ, एंड बिंग के लिए मैं इनका नाम दे देता हूँ ए बी सी एंड टी, ठीक है। सो यहाँ पे हम अपोजिट रे इजीली पहचान सकते हैं अभी, इसमें से अपोजिट रेज कौन कौन से। सो हमारा ओ ए एंड ओ सी जो है दैट इज अपोजिट रेज, वैसे ओ बी एंड ओ डी है दैट इज अपोजिट रेज। सो ऐसे एंगल्स जो कि अपोजिट रेज से बने हुए हो, सो उसे हम बोलते हैं अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो जैसे कि अभी ये रेज और ये रेज से बना है, ये मतलब अगर देखा जाए, हम अगर कंसिडर करते हैं इसे ऐसे कि ये एक अपोजिट रेज, इसका अपोजिट ये एक रेज है, ठीक है। इन सिमिलर वे ये एक अपोजिट रे है, इसका अपोजिट ये है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए, सो ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है। सो ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं हमारे, ये एंगल और ये एंगल, ये हमारे अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। सो ये अपोजिट रेज से बने हुए जो एंगल्स होते हैं, दोज आर अपोजिट एंगल्स। एंड इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स जो है वो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 50 डिग्री होगा सो ये भी 50 डिग्री ही होगा। ओनली कंडीशन इज दैट वो अपोजिट रेज से बने होने चाहिए। अपोजिट रेज क्या होते हैं कि उनका एक कॉमन ओरिजिन पॉइंट होता है, और वो जो दोनों रेज है उन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, या फिर वो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। सो यहाँ पे ए और सी ये एक स्ट्रेट लाइन, ए ओ और ओ सी ये एक स्ट्रेट लाइन है, वैसे ही ओ बी और ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है, उनका कॉमन पॉइंट ओ है। सो ये भी एक स्ट्रेट मतलब बोल सकते हैं हम कि अपोजिट रे है। ये दोनों अपोजिट रे मिलके ये एंगल क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल देखा जाए तो चार एंगल्स है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि ये जो एक एंगल है, ये एंगल इसका अपोजिट एंगल है। वैसे ही यहाँ पे ये एक एंगल है, उसका एक ये अपोजिट एंगल है, ये भी सेम प्रिंसिपल फॉलो करता है। ये जो भी एंगल है उसका सेम वे में यहाँ पे भी वो फॉलो करता है, ठीक है। सो अभी ये मेजरमेंट मत देखिए, यहाँ पे मेजरमेंट रॉन्ग होगा अभी फिलहाल में। अगर मेजरमेंट के हिसाब से अगर देखना होगा आपको तो ये 50 होगा, सो ये अराउंड 130 आना चाहिए, और ये भी 130 आना चाहिए, ठीक है। तब जाके ये 180 होगा, ये 180 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट ये जो है ये अपोजिट एंगल अपोजिट रेज है। सो इनका जो दोनों एंगल का सम है, ये एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तभी ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, तभी ये अपोजिट एंगल अपोजिट रेज हो पाएंगे। सो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से थोड़े दो प्रॉब्लम है जो कि प्रैक्टिस सेट 20 में है, सो हम वो ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। सो प्रैक्टिस सेट 20 का फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। यहाँ पे क्या मेंशन है, लाइन ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। सो उन्होंने ऐसा दिया है, ये P पॉइंट है, ठीक है। एंड ये कहाँ पे A C, एंड ये हो गया हमारा B D, ये इंटरसेक्ट हो रहा है। और इसमें क्या मेंशन है, एंगल A P D इज इक्वल टू 47 डिग्री, मीन्स एंगल A P D इज इक्वल टू 47 डिग्री, ठीक है। सो हमें सिंपली क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि ए पी टी सी ये क्या है,
ए पी एंड पी सी अपोजिट रेज है, ठीक है, ये फर्स्ट थिंग हो गया हमारे पास। सेम बी पी एंड पी डी, ये भी क्या है, अपोजिट रेज है, ठीक है। सो हम ये प्रॉब्लम को सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, हमारा जो अपोजिट एंगल का प्रिंसिपल है वो लगाएंगे हम, ठीक है। सो अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है हमारे पास। दूसरा क्या है कि जो भी अपोजिट रेज होते हैं उनके वो एक 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं या फिर वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं बेसिकली। सो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि लीनियर पेयर एक फॉर्म होता है फॉर अपोजिट रेज, ठीक है। सो यहाँ पे हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग हमें क्या, दोनों चीजें अप्लाई करनी होगी हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो यहाँ पे ये जो ए पी और पी डी है ये रेज है, ये दो रेज जो है इनके जो अपोजिट एंगल्स है, सॉरी अपोजिट रेज है वो क्या है, पी बी और पी सी। सो एंगल ए पी डी का अपोजिट एंगल ये हुआ बी पी सी। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ अपोजिट एंगल, ठीक है, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल डी पी सी, ओके। सो दिस इज इक्वल टू 47 डिग्री। सो ये भी हमें मिल गया, एक एंगल की वैल्यू हमें मिल गई है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हमारा सेकंड प्रिंसिपल यूज करेंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज कर लिया। सेकंड प्रिंसिपल में क्या है हमारे पास रूल, एक लीनियर पेयर या फिर अपोजिट रेज वो हम कर सकते हैं, ठीक है। हियर पी डी इज कॉमन आर्म, ओके, एंड आर्म ए पी एंड पी सी आर फॉर्मिंग, मतलब पी डी जो है हमारा ये एक कॉमन आर्म है और ए पी और पी सी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन। सो ये क्या इंप्लाई करता है कि ये एक लीनियर पेयर है, ठीक है, और लीनियर पेयर का प्रिंसिपल क्या है, एंगल ए पी डी प्लस एंगल डी पी सी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंगल ए पी डी पता है हमें 47 डिग्री इज इक्वल टू एंगल डी पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल डी पी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 47 दैट इज इक्वल टू 133 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एंगल डी पी सी इक्वल टू 133 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर से ये हमारा अपोजिट एंगल वाला प्रिंसिपल यूज करेंगे। पहले हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, एंगल डी पी सी इज इक्वल टू 133 डिग्री, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हमारा थर्ड जो एंगल फाइंड आउट करना है उसके लिए हम अपोजिट एंगल प्रिंसिपल यूज करेंगे।
ठीक है, और उसके हिसाब से एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल डी पी सी इज इक्वल टू 133 डिग्री। ठीक है, सो ये हमारा 133 डिग्री आ गया। सो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमें जो जो रिक्वायर्ड थे, हमें सबसे फर्स्ट हमें ये एंगल फाइंड आउट करना था, एंगल बीपीसी। सो अपोजिट एंगल के प्रिंसिपल से ये हमें मिल गया कि ये 47 डिग्री होगा। सेकंड हमें ये फाइंड आउट करना था एंगल डीपीसी। सो एंगल डीपीसी इज इक्वल टू 133 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेट लाइन पेयर का या फिर अपोजिट रेज का जो प्रिंसिपल था वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। देन जो थर्ड था वो हमें फाइंड आउट करना था एंगल ए पी बी। सो यहाँ पे भी हमने अपोजिट एंगल का प्रिंसिपल यूज किया कि एंगल ए पी बी जो है हमारा ये एंगल, ये इसके इतना ही रहेगा। सो ये दोनों सेम रहेंगे, सो इसलिए 133 डिग्री और ये भी 133 डिग्री आ जाएगा हमारा। सो इस हिसाब से हमने ये तीनों एंगल के वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, सो हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट 20 है ये भी सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है यहाँ पे। सो इसे मैं जस्ट मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज है हमें ये तीनों ही चीजें यूज करनी है। एक्चुअली मैं सिंपली डायग्राम के तरीके से बताऊंगा और आप ये वैल्यूज को मतलब जस्ट रिप्लेस कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, सो वन सेकेंड, काम करता हूँ, मैं फिर से बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। ठीक है, प्रिंसिपल सेम यूज होने वाले हैं दोनों जगह, दोनों प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम है, खाली वैल्यूज डिफरेंट है यहाँ पे। सो ये एम है हमारा, ये सेम है एक्स डिग्री, ये पी, दिस इज आर, दिस इज एस, दिस इज क्यू। ठीक है, अपोजिट रेज यहाँ पे अगर हम देखें तो पी एम एंड एम U and R M and M S आएगा। ठीक है, सो अब हमारे पास ये एंगल है, ये एंगल X होगा तो इसका जो अपोजिट एंगल है ये भी हमारे पास X डिग्री होगा। ठीक, ये जो एंगल है ये क्या रहेगा, 180 माइनस X, क्यों, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे हमारा। सो ये 180 माइनस X हुआ, सो ये 180 माइनस X हुआ तो सेम चीज यहाँ पे भी 180 माइनस एक्स होगी। ठीक है, सो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, प्रैक्टिस सेट 20 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 20 समाप्त होता है। और आपको अगर कोई डाउट हो या फिर आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन वीडियो बना के अपलोड कर लूँगा। थैंक यू।